भाषा आप देना चाहते हो तो सुनने की भी क्षमता रखिए। बिल्कुल हम सुनने की भी क्षमता रखिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस तरह की बात करता है तो आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आप इस तरह की क्षमता रखिए। अगर इस तरह की अनुराग ठाकुर जी ने कोई बयान दिया है तो सुनने की क्षमता रखिए आप। आपको बड़ी मिर्ची लग जाती है, आपको बहुत जल्दी मिर्ची लग जाती है। अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर बोला तो आप कहते हैं ओबीसी अपने आप को आतंकवादी मानता है क्या? उन्होंने क्यों बोला? उन्होंने अनुराग ठाकुर जी ने साफ तौर पे बयान दिया था कि जूत गोली मारो सालों को, तो ओबीसी ने क्या बोला कि मैं आतंकवादी हूं, मैं हर जगह जा सकता हूं, मेरे को गोली मारो। जोगिंदर सिंह को मारे आपने साफ तौर पे ओबीसी ने कहा था ना कि मैं कहीं भी जाऊं आप मुझे गोली मारो क्या? मतलब उन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया कि मैं आतंकवादी हूं कि मुझे आगे गोली मारिए। अरे भैया दिमाग से सोचिए, बिल्कुल सही कहा। किस तरह की विचारधारा की बात करते हैं आप? अरे देश को तोड़ने वालों के साथ खड़े हैं आप, नहीं नहीं हम देश को बरगलाने वालों के साथ खड़े हैं आप, देश को आग लगाने के साथ खड़े हैं हम, गोरखवादी ताकतों के खिलाफ खड़े हैं, जो गांधी के हत्यारों के खिलाफ खड़े हैं, हम संविधान के हत्यारों के खिलाफ खड़े हैं, हम सरकार के हत्यारों के खिलाफ खड़े हैं, हम देश के हत्यारों के खिलाफ खड़े हैं, जिसने पुलवामा अटैक करा उसके खिलाफ खड़े हैं। झूठी दुकानें बंद कर लीजिए, शटर लगा दिए इन झूठी दुकानों के ऊपर।